मेरी शुभकामनाएं हैं बड़ी बहन, आप सारी रात ऐसे गाने गाओ। बिल्कुल मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं गाऊंगा तो आप एक घंटे तो बोलोगी। गाना कह रहा है क्या बेटे? गाना के अब दिल लगता कहीं ना जब तक हो दम में दम। अरे दादा आजा मिल के वादा कर ले, जब तक हो दम में दम। साथ कभी ना छोड़ेंगे चाहे खुशियाँ हो या गम। बेटे वाह, क्योंकि बड़ी बहन अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। अरे अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो ये हो तुमसे पहले। हमारे बड़े भैया परम सत्य दादा श्री नरेंद्र दादाजी, आप एक ऐसे पिता के पुत्र हैं, लोग नौटंकियां करा लेते हैं, कई कार्यक्रम कराते हैं, लेकिन ऊपर बैठे दादाजी भी यही सोच रहे होंगे कि मैंने भी कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसा पुत्र मिला है। क्या बात है? अरे अब दिल लगता कहीं ना। अरे अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले। बाहर का केवल गाना तो यही था, ठीक है, लेकिन लेकिन इस समय हम लोग नहीं बोल रहे, हम लोग का काम जय माँ इसाबी भाई, जय माँ टेनगा रसूल खान जी, आप तो से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहना है क्या? क्या गाना तो यही लगे है, लेकिन लेकिन बलमा 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 बलमा
कारण तुम खुल के गा रहे हो आज। लेकिन गाना सुनना पड़ी बहन, एकदम सिंपल है। क्या? क्योंकि मैं कलाकार के लिए कभी नहीं गाता हूँ। अगर कलाकार के लिए गाऊंगा तो पब्लिक भाग जाएगी, और पब्लिक भाग जाएगी तो आमदनी में आपके भी कम पड़ जाएगा। तो इसलिए दोनों का प्रयोग अच्छा ही करे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल गाना कह रहा है, तीन सीता मैंने पाई। कौन सी? कौन सी? वो जनक नंदिनी गुड़िया हो बनवासी जानकी। वो जनक नंदिनी गुड़िया हो बनवासी जानकी। तो जानकी रमन संग फिरती बन बनवासी जानकी। जनक नंदिनी गुड़िया, मैं कुछ छिपा नहीं रहा हूँ, गुड़िया यानी गुड़िया भारती जी। और क्या? जानकी रमन संग फिरती बन बनवासी जानकी। लेकिन लेकिन अरे एक अनल में समाई वो दशरथ बहु जानकी। एक अनल में समाई वो दशरथ बहु जानकी। अरे दूजी निकली छाया एकदम हो बहु जानकी। करो अगनिमा बासा। लेकिन वही सीता जब वापस अगनि से आई तो सदेवा सरार्थी कह रहा है, क्या है? बिछाया जाल छाया ये छाया की सिया। है बिछाया जाल छाया ये छाया की सिया। फिर समाई है उसी में आई जहां से पहले। कहां समाई और कहां से आई? अनलमा हो दादा वैभव विश्वकर्मा जी। केवल दो लोग हैं, 21 रुपए दे रहे हैं जो नाल पे संगत कर रहे हैं हमारे छोटू को। बहुत बहुत धन्यवाद अपना छोटू अनल माँ। और क्या दादा, लड़के पर भी कृपा बनाना। सही है कहना। दूसरी सीता, अरे यज्ञ के खातिर आई स्वर्ण सुकोमल जानकी। इतना छोटा लड़का है, यज्ञ होना है लेकिन माता सीता तो है नहीं, तो स्वर्ण की सीता लाई गई, वो भी जल से। कहना पड़ा हिसाबी भैया ध्यान दो। अरे यज्ञ के खातिर आई स्वर्ण सुकोमल जानकी। और ये वो जानकी नहीं है दादा,
न राजेश्वर की राजेश्वरी फूल सी कोमल जानकी। आखिर ये है जानकी कौन? कौन? अरे कंचन कनक माया की ये स्वर्ण जानकी की। अरे क्या करूं कल्पना स्वर्ण की या सुवर्ण जानकी की। कलाकारों के नाम आ रहे हैं, मैंने लगाया नहीं। ना, 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 ना। आप चाहो तो ला सकते हैं, हमारे दादा बैठे हैं। और क्या हम आ गए, जैसे हमारे लालचंद जी दादा जी बैठे हैं, राम सुहे दादा जी बैठे हैं। और क्या हमारे बहुत अच्छे कीर्तनकार दादा बाबूलाल दादा जी बैठे हैं, जेपी मंझा दादा जी बैठे हैं। लेकिन लेकिन मैं एक लोगों को छोड़ रहा हूँ, पांच लोगों में एक लोगों को छोड़ रहा हूँ। साबी भैया ध्यान दो। क्या करूं कल्पना स्वर्ण की या सुवर्ण जानकी की। क्योंकि क्योंकि है मायापति की माया ये माया की सिया। हाय हाय हाय, कहाँ जा नटखट भैया? नटखट भैया आदरणीय, ऐसा करो ले बेटा ले। ये मारे पीछे तो दे रहे। बड़े भैया प्रहलाद विश्वकर्मा जी भदौरा आपकी तरफ से क्या मन रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय लाए क्या आप? दादा के पास नहीं जाएंगे? हाँ ये बताए दे रहे हैं। हाँ इनको देखे रहे ना, ये दादा के पास ना जाए बस। हाँ इनको थोड़ा और आगे बैठा लिए। हाय मायापति की माया माया की सिया, तो डुबाई है उसी में आई जहां से पहले। कहां प्रभावित की गई? जलमा सुनाऊंगा। केवल दो लोग हैं। नरेंद्र चाचा जी आप जैसे 500 रुपए आए हैं, बारंबार आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ। अब मैंने एक लोगों को क्यों छोड़ा था दादाजी? एक लोगों को क्यों छोड़ा था? माता सीता सभा में बैठी है, माता सीता सभा में बैठी है, सभा में खड़ी है। प्रभु राम ने कह दिया दोबारा पतिव्रता का पतिव्रता हो इसकी शपथ लीजिए। माता सीता ने हाथ जोड़े कहा कि बार बार परीक्षा मैं नहीं दे पाऊंगी स्वामी। माता धरती का आह्वान किया, बुलाया, और जैसे ही माँ जाने लगी तो अयोध्या वासी कह रहे हैं हे माता, हे माता तीन समझ के क्षमा कर दो माँ जानकी। अब बेटा दादाजी मुस्कुराए हैं, सभी हाथ जोड़ के कह रहे माँ, हे माता तीन समझ के क्षमा कर दो माँ जानकी। क्योंकि क्योंकि आज इस सभा में है लज्जित या जवान, क्या बात है, राम की आत्मा जानकी। क्योंकि क्योंकि श्री राम की सुन के जुबानी। दादा बैठे हैं कि श्री राम की सुन के जुबानी खड़ी बेधीर जानकी, तो शरारत करे बिलाप नयन भर नीर जानकी। क्या बात है बेटे, तो कहना है वही सीता वही माता कह रही है
है काया ने थकाया ये काया किसिया। अब जाना है काया ने थकाया ये काया किसिया, कोताही है उसी में आई जहां से पहले। कहां से आई कहां गई सब बताए दे रहे थलमा हो। तो मैंने ले लिए हैं सब बता दिए। अनलमा 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 जलमा 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 थलमा 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 हो। दो तत्व तो मैंने छोड़ रखे हैं, बस 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 आप दादा के पास मत जाना। कम लगी होगा करो हमारे सम्मान्य भैया भैया श्री अमृत जोशी तेनगा आपके माध्यम से हम भी सिंह राजा बिहार बिहारी आपके माध्यम से इंक्यान पत्र मुद्राएं दोनों भाइयों के इंक्यान इंक्यान पत्र मुद्राएं आप दोनों उन्हें भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। आइए सुनिएगा, बहुत ही अच्छा टुकड़ा आया है। हेलो 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 चलो करे लेकिन भले ही फरिश्तों की तरह बातें करे लेकिन आदमी को आदमी बनकर जीना नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। गाया फिर दुनिया वालों ने कि अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना ढोला की जाटी फिर सका बहुत जब भैया कहा कर रहा है
किस्मत ही खराब है भैया। अब दिन लगता कहीं ना तेरे बिना तो मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना, तो आ मिल कर वादा कर ले होगा जब तक जम्मे दम, आ मिल कर वादा कर ले होगा जब तक जम्मे दम, छोड़ेंगे बजरंगी सुध लेने गए थे लंका, आराम से क्या बात है सब, बजरंग जी सुध लेने गए थे लंका, तो हर बानर को जाने में भारी शंका, सब बानर को शंका है। यहाँ तक अंगद महाराज ने कह दिया कि फिर तिवारा शंका दिखलाई, उस मानस ने भी इशारा किया है, लेकिन सुनेगा। बैठी बीच सिंधु में आके आ कि बैठी सिंधु में आके रोके डगर, बीच समुद्र में सुरसा जो नागों की माता है बैठ गई कि बैठी बीच सिंधु में आगे रोके डगर, फाड़ रही है मुख को अपने देती डगर,
ही मुख को अपने उनको देती है डर। तब बाबा बजरंग वाले ने मुख ना मोड़ा, गर्व को तोड़ा, पूरा काम किया, सामने मुंह खोला, लेकिन बाबा बजरंग बली पिछलत नहीं हुए। जब नहीं हुआ तो कहना पड़ा। सुरसा ने मुंह पढ़ाया, बाबा बजरंग बली ने दुगना रूप दिखाया, और जब मुंह सौ योजन का हो गया, बाबा बजरंग बली ने छोटा सा रूप रखा और सुरसा के मुंह में प्रवेश किया और निकल आए। तो कहना पड़ा, मुख ना मोड़ा, कर मुख तोड़ा, काम पूरा किया, फिर भी वही से निकले गए जहां से पहले। मुख ना मोड़ा, गर्व को तोड़ा, पूरा काम किया, मुख ना मोड़ा, मुख ना तोड़ा, पूरा काम किया। फिर वही से निकले जहां से पहले, मुख पवन पूत बजरंगी लंका जाते, बाबा बजरंग बली ने लंका को जार दिया, उलट पुलट कपी लंका जा रही। जब जार दिया तो पवन पवन पुत्र बजरंगी ने लंका जारी, पूछ बुझाने आए सिंधु मझारी। तो सारी लंका चली कि सारी लंका चल गई, तो सारी लंका जल गई, जली ना उनकी तुम। सारी लंका को जला दिया, देखे लेकिन पूंछ नहीं जली। जो रावण प्रयास किया कि हनुमान जी महाराज की पूंछ जलनी चाहिए, वो नहीं जली। तो कहना पड़ा कि सारी लंका जल गई, जली ना उनकी तुम। तो लंका के कई निशाचर भाग दबा कर तुम, तो वीर हर्षाए पूछ बुझाए खंडा है किया, वीर बुझा वीर हर्षाए पूछ बुझाए ठंडा है किया, नारा 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 ना, फिर भी वही से निकले जहां से पहले। तो चल बच्चों की तरफ से प्रयास।